हेलो एवरीवन, हम गणित में यूनिट 3 कुछ लेना कुछ देना में पेज नंबर 33 पर आए हैं। इसमें हम जोड़ना सीखेंगे और वो भी फटाफट से। कैसे, देखिए। इसका शीर्षक है झटपट जोड़। इसमें बताया गया है अनीशा ने 37 रुपए के सेब खरीदे, राजा ने 21 रुपए के केले खरीदे। फल वाले ने कहा 37 मतलब 30 और 7, 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलाकर 58 बनेंगे। तो फल वाली ने क्या किया, 37 का मतलब 30 और 7, 30 और 7 37, यहाँ पर इकाई और दहाई को अलग अलग कर लिया। और 21 का मतलब 20 और 1 21, तो उसने पहले इकाइयों को जोड़ा 8 और फिर दहाइयों को जोड़ा 30 और 20 50 और 50 और 8 58। इस प्रकार उसने फटाफट से अपने पैसों का हिसाब लगा लिया। अब आगे देखते हैं। पहले दो तो समझ गई उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ा, उसने इकाई और दहाई को अलग अलग किया और फिर फटाफट से इकाई को अलग जोड़ लिया और दहाई को अलग जोड़ लिया। अब हम कोशिश करते हैं, चलो हम भी कोशिश करें। जरा इस जोड़ को देखो, यहाँ पर 26 और 43 को जोड़कर दिखाया गया है। 26 को इन्होंने लिखा है 20 और 26 और 43 को लिखा है 40 3 43। 26 कितने होते हैं, 20 और 6 26, 43 कितने होते हैं, 40 3 43। अब क्या करेंगे, इकाई और इकाई को, इसकी भी इकाई वाले अंक को और इसके भी इकाई वाले अंक को यहाँ पर हम इकट्ठा लिख लेंगे और इस वाली दहाई के अंक को और इस वाली दहाई की संख्या को इनको इकट्ठा लिख लेंगे। और अब इनको जोड़ेंगे 20 और 40 60, 6 और 3 9, तो इस प्रकार 60 और 9 69। देखा है ना, बिल्कुल आसान। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। क्या तुम इसे किसी और तरीके से जोड़ सकते हो, बोलो कैसे। 33 जमा 56, तो यहाँ पर 33 कितने होते हैं, 30 जमा 3 और 56 कितने होते हैं, 50 6 56। तो यहाँ पर क्या किया, दहाई को दहाई के साथ जोड़ लेंगे, 30 जमा 50 80 और 3 जमा 6 9 और फिर हमारा 80 जमा 9, 80 और 9 89। और जरा देखो तो कि क्या तुम इन सवालों को भी वैसे ही कर सकते हो। देखिए 37 और 22 को जोड़ना है, 37 और 22 को कैसे लिखेंगे, 37 को लिखा 30 और 7 37, 22 को लिखा 20 और 2 22। अब हम क्या करेंगे, पहले दहाई दहाई को लेकर यहाँ पर लिखते हैं 30 और जमा 20, दहाई को जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 जमा 20 कितना आएगा, 50। और इकाई को इकाई में यानी कि 7 जमा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 9। और फिर 50 जमा 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 59, 50 9 59। देखिए 73 जमा 24, तो यहाँ पर 73 है तो 73 को क्या लिखेंगे, 70 जमा 3 और फिर हमारे पास है 24, तो 24 को हम कैसे लिखेंगे, 20 जमा 4। तो अब क्या करना है, दहाई को एक साथ लिख लेते हैं, 70 जमा 20, तो 70 जमा 20 कितना हो जाएगा, 70 जमा 20 तो हम क्या करेंगे, 90। और इकाई को एक साथ लिख लेंगे, 3 जमा 4, 3 जमा 4, 3 जमा 4 कितने होते हैं, 7 और यहाँ पर क्या है, 90, 90 7
सत्तानवे, नब्बे सात सत्तानवे। इस प्रकार करेंगे तो हमारा जोड़ बिल्कुल आसान रहेगा। फिर है आम मिर्च का खेल। एक जोड़ा पासा लो या इमली के दस बीज और उस पर आई संख्या को जोड़कर आगे और पीछे चलो। हर संख्या के लिए अलग अलग रंग का बटन लो। पन्नों पर बने बॉर्डर पर खेलो। अगर तुम आम पर पहुंचते हो तो तुम आगे जमा जाओगे, आगे यानी कि आगे बढ़ते जाओगे। अगर तुम मिर्च पर कदम रखते हो तो पीछे जाना पड़ेगा और देखो कौन पहले घर में पहुंचता है। ये देखिए, ये खेल यहाँ पर आप खेल सकते हो। ऐसे आप अपने कॉपी पर या एक किसी कागज पर भी ये खेल बना सकते हो। यहाँ से शुरू करना है और संख्याओं पर चलते जाना है। पासा खेलना है, पासा फेंकना है जिसकी भी टर्न आएगी, और आम पर पहुंचोगे तो आगे बढ़ना है, लेकिन अगर मिर्च पर पहुंच गए तो आप पीछे चलोगे। ये खेल बड़ा ही मजेदार है। आप अपने बहन भाइयों के साथ या अपने माता पिता के साथ इसको घर पर खेल सकते हो। आगे है छप्पन जमा इक्कीस। तो इसको हम कैसे करेंगे? छप्पन को क्या लिखेंगे? पचास जमा छ छप्पन, और इक्कीस को बीस एक इक्कीस। अब ढाई ढाई को जोड़ लेते हैं। पचास जमा बीस सत्तर, और छ जमा एक यहाँ पर लिख देते हैं सत्तर। ऐसे के ऐसे छ जमा एक कितना हो जाएगा? सात। सत्तर सात सतर, क्या आ गया हमारा उत्तर? सतर। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है ना एक लड़के का, ये सोचता है छप्पन जमा इक्कीस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, छप्पन जमा बीस जमा एक, और छप्पन जमा एक सत्तावन हो गए, और सत्तावन में बीस जोड़ेंगे तो सतर हो गए। आहा, मैं तो इस तरीके से भी इसे कर सकता हूँ। तो अब हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, अब तुम इस जोड़ को अपने मन में करो, सीधे इन खानों में उत्तर लिखो। फटाफट से इनका उत्तर हमें मन में सोचना है और लिखना है। कैसे करेंगे? देखिए, तैतीस जमा बयालीस है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? तैतीस और बयालीस को, तीन और दो इकाई को जोड़ लेते हैं, तीन और दो पांच, यहाँ पर तीन ढाइयां हैं, यहाँ पर चार ढाइयां हैं, तो तीस जमा चालीस सत्तर, तो यहाँ पर सात। हमारा उत्तर क्या आ गया? पिचहत्तर। इसी प्रकार नौ जमा एक दस हासिल, एक ढाई के ऊपर जाएगा, एक एक दो और छ आठ, तो ये आ गया अस्सी। अड़तालीस जमा बयालीस कैसे जोड़ेंगे? इकाई इकाई को जोड़ लो और ढाई ढाई को जोड़ लो, आठ दो दस की जीरो हासिल, ढाई के ऊपर जाएगा, चार चार आठ हर एक नौ, तो इसका उत्तर आया हमारा नब्बे। आगे है तैतीस जमा सैतीस, तो तीन जमा सात दस हासिल गया एक, तीन और एक चार और चार दो छ साठ। इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं, चार जमा तीन सात, और यहाँ पर तीन ढाइयां हैं, यहाँ पर छह ढाइयां हैं, तीन जमा छ नौ। आगे है तिरपन जमा चौसठ, तो तीन जमा चार कितने होंगे? सात, पांच जमा छह कितने होंगे? ग्यारह, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा एक सौ सत्रह। आगे है पचपन जमा पच्चीस, पांच जमा पांच दस हासिल गया एक, पांच और दो सात, सात में एक हासिल जोड़ेंगे आठ, सात और पांच बारह हासिल ढाई के ऊपर लिखेंगे, छह और दो आठ और एक नौ बानवे आ गया है, और यहाँ पर है बहत्तर जमा छप्पन, तो इकाई में इकाई छह जमा दो आठ, और सात और पांच बारह। इस प्रकार हमें ये फटाफट से जोड़ करना सीखना है। इसका अभ्यास आप करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको जोड़ना समझ में आ गया होगा।